अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का उदय, भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन पहुंचा रहा है इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि भारत, आर्यभूमि मातृभूमि जन्मभूमि। आज की कड़ी में हम स्वतंत्र संगठित प्रांत उड़ीसा को अस्तित्व में लाने वाले कृष्ण चंद्र गजपति नारायण देव का स्मरण कर रहे हैं। कृष्ण चंद्र का जन्म 26 अप्रैल 1892 को हुआ था। वे एक शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो पारालाखे मुंडी रियासत के राजा और ओडिशा प्रांत के पहले प्रधानमंत्री थे। ओडिशा के वर्तमान गजपति जिले का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। कृष्णचंदन ने 16 नवंबर 1930 को लंदन में हुए पहले गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें उन्होंने भाषा और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाने की मांग उठाई थी। महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपा बंधु दास, फकीर मोहन सेनापति और उत्कल सम्मेलनी के अन्य प्रमुख सदस्यों के अनवरत प्रयासों से ही 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा राज्य का गठन हुआ। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव पहली अप्रैल 1937 से जुलाई 1937 तक ओडिशा के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। बाद में वो 1944 तक ओडिशा के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने अनेक अस्पतालों, विद्यालयों, महाविद्यालयों और औद्योगिक संस्थानों की स्थापना की और अपने तालुका में अभूतपूर्व संख्या में पानी के 1281 टैंक उपलब्ध कराए। कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव ने 25 मई 1974 को इस संसार से विदा ली। उड़ीसा को एक अलग राज्य बनाने की उनकी अदम्य लगन और धुन बेमिसाल है और आधुनिक उड़ीसा के इतिहास में ये एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। महान राष्ट्रवादी नेता कृष्णचंद्र गजपति नारायण देव को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। आज हम गोलाघाट असम की प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ता द्वारिका दस्सी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 1932 में 26 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो 5 महीने की गर्भवती थीं। शिवसागर में जेल में रहते हुए उन्हें जेल अधिकारियों की अमानवीय यातनाओं का शिकार होना पड़ा। इन यातनाओं की वजह से गर्भपात के कारण 26 अप्रैल 1932 को उनका निधन हो गया। भारत की इस निर्भीक और साहसी पुत्री को हमारा शत शत नमन। आज हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य हजारी को भी भावांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका जन्म 26 अप्रैल 1920 को हरियाणा के गुड़गांव में हुआ था। 1943 में वे इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुए और सुभाष ब्रिगेड में सेवारत हो गए। वे 1944 में इम्फाल में ब्रिटेन की सेना से लड़ते हुए शहीद हो गए। देश के इस महान सपूत को हमारा नमन।
आजादी का सफर की इस कड़ी में आज हम शहीद कुंडार सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने सन 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया। हरियाणा के अंबाला में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 12वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सेवारत रहे कुंडार सिंह अपने क्षेत्र से स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उन पर बगावत का आरोप लगाकर 1858 में फांसी दे दी। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले अमर शहीद कुंडार सिंह को हमारी श्रद्धांजलि। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।